गुड इवनिंग, कंग्रेचुलेशन टू आना एंड ऑल हु गॉट सिलेक्टेड इन NIIDPR यंग फेलो एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। सारे लोगों ने बहुत ओरिड है कि हु हैव नॉट गट द मेल एट, सो डोंट ओरी अबाउट एनीथिंग एल्स, दे विल डेफिनेटली पुट ए मेल इन इनबॉक्स, सो वन बाय वन दे विल सेंड ए मेल टू यू ऑल। सो कुछ लोगों ने अभी तक मेल मिला है, दोज हु हैव गट द मेल, सम पीपल हैव गट द मेल, सो डोंट वरी, यू ऑल्सो गट द मेल इफ यू आर नॉट गेटिंग इट। एंड दूसरे बात यह है कि जिसको अभी तक मेल नहीं मिला है, ओरी छोड़ने के लिए सीरियस होने के लिए कोई बात नहीं, दे विल डेफिनेटली गट द मेल, NIIDPR ऑफिशियल विल गिव डेफिनेटली गिव यू द मेल, सो डोंट वरी। उसके बाद क्या है कि आप लोगों ने इंटरव्यू के बाद का प्रोसेस पूछा है, बहुत सारे कैंडिडेट ने इंटरव्यू के प्रोसेस के बाद थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट कोर्स या इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह या कुछ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम वगैरह हो सकती है NIIDPR के तरफ से, जैसे कि वो आपकी स्टेट DPR में हो सकती है या फिर उनके सिलेक्टेड कोई वेन्यू में हो सकती है। वो आपको मेल के दौरान वो बता सकती है कहाँ पर जाना है, किस अपॉइंटमेंट के लेटर वो शायद मेल में अटैच कर देंगे। उसके बाद क्या हो सकती है, आपको अपॉइंटमेंट के डेट के अनुसार उस वेन्यू में जाना है, अपने सारे डिटेल्स डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी वेरिफिकेशन के लिए लेना है या अपॉइंटमेंट के दौरान जो भी चाहिए उनको ज़रूरत डॉक्यूमेंट वो ले जाओ, सारे डिटेल्स उनका जेरक्स कापी भी ले जाओ, एक फ़ोटो कापी आप खुद के फ़ोटो के साथ। उसके बाद क्या करनी है, जैसे कि कुछ ट्रेनिंग हो, अगर जैसे कि कोई भी ट्रेनिंग हाल में, जैसे NIIDPR तो ज़्यादा डिपेंडेंट है SIIDPR के अंदर, जैसे कि स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, तो शायद वो वहाँ पर कुछ इंडक्शन मीटिंग वगैरह कर सकती है जो कि उन स्टेट की जो चीज़ लोगों का है, तो आप उसमें ज़्यादा फोकस ना कर अपनी जो भी अभी भी तैयारी कर रहे हो या अभी जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें फोकस कीजिए। ये तो NIIDPR का मेल आपको मिल जाएगा, अगर आपका नाम वो लिस्ट में है तो आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को ना सोच कर खुद का काम कीजिए। और कुछ पढ़ाई वगैरह अगर है आपके पास, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ पढ़ाई है या फिर आपके काम के सिलसिले में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि NIIDPR के जो वेबसाइट में अगर आप सर्च करो अभी भी बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है, बहुत पर इंटरवल वो ट्रेनिंग वगैरह फ्रिक्वेंटली चलती है, तो वो आप ज्वाइन कर सकती हो, कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह वहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग कुछ हो रही है। अगर अभी तो एक फिल्म फेस्टिवल रिलेटेड कुछ कंपटीशन हो रहे हैं, वो ऑफलाइन लेकिन होगी, अब ऑनलाइन नहीं, उसका कैश प्राइस भी कुछ रहेंगी, वो एक बार चेक कर लो देख लो। थोड़ा बहुत बिजी हूँ इसीलिए आप सारे लोगों का मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। एंड सोचा है कि एक वीडियो अगर बना लूँ आपको शायद कुछ हेल्प मिल जाती है इस सिलसिले में, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, दे विल डेफिनेटली गिव यू द मेल, सो फ्रिक्वेंटली चेक योर मेल बॉक्स एंड यू ऑल्सो चेक योर ट्रास्ट बॉक्स बिकॉज जंक बॉक्स ऑल्सो इन द इनबॉक्स, सो बिकॉज समटाइम इट विल गो टू इन दैट नेटवर्क की प्रॉब्लम से वो कुछ वहाँ पर भी चल जाती है मेल, हो सकते हैं वहाँ पर भी होगी आपकी मेल, लेकिन इनबॉक्स सारे वक्त फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना। और आपकी जहाँ पर भी जॉब होगी उसके पूर्व आपको पहले से ही कुछ इंडक्शन का ट्रेनिंग वगैरह या कुछ रिप्लेसमेंट का कोर्स वो ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम एक अलग सा बात है, काम के फील्ड में जाकर खुद डॉक्यूमेंट का काम करना, फील्ड का काम करना, वो अलग सी बात है। तो आपको एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो गए, इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो गए, उसके बाद जब फील्ड में जाना है, काम करनी है, आपके बेनिफिशियरी के साथ काम करनी है, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करनी है, तो यू शुड हैव टू गेट सम प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑन दैट। सो एज फॉर योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दे आर इवाल्यूएटिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड इन द रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद वो ओरिएंटेशन एंड जो आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह जो भी होगी कुछ भी कोर्स लगभग 1 वीक से 15 डेज तक वो दे देंगे, तो इट विल गेट यू वेरी बेनिफिटेड फॉर योर फील्ड वर्क।
सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, दे विल डेफिनेटली कम्युनिकेटेड अबाउट दिस इश्यूज एंड सॉल्व वेरी शून. वेट फॉर द मेल बिकॉज सम आर ऑल्सो गेटिंग द मेल राइट नाउ सम डेज. सो इतना घबराने की कोई बात नहीं. इफ़ यू हैव सम टाइम प्लीज टू रीड समथिंग एल्स, लाइक कोई भी कोई लिटरेचर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, वो चीज़ आपको हेल्पफुल रहेगी फील्ड के काम, उसका प्रोग्राम के रिलेटेड कुछ काम के सिलसिले में. इट विल बी गेट बेनिफिटेड टू यू. सो आई होप यू पीपल गेट योर आंसर. इफ़ एनीथिंग इज़ देयर कि इसके बाद में क्या होगी, तो यू कैन आस्क टू मी. आई थिंक आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट. बट इतना अभी तो क्लियर है कि आपको मेल मिल जाएगी, उसमें डिटेल्स होगी और उसका कुछ अटैचमेंट भी होगी, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह या कुछ भी, वो देख लो. और आई हैव एन रिक्वेस्ट टू ऑल दोज कैंडिडेट डियर फ्रेंड्स, इफ़ एनीवन गट द मेल, तो उस मेल के बारे में अगर एक वीडियो बनाकर मुझे सेंड कर देते हो, मैं भी वो अपलोड कर दूँगी चैनल पर. अगर वो नहीं हो सकते तो एक बार देख लो, कुछ लिख लो कि मेल में क्या है अगर वगैरह, एंड कुछ अटैचमेंट है क्या आपकी मेल में, तो मैं भी बता दूंगी सारे लोगों को. सो वो भी दूसरे दोस्तों को हेल्प हो जाएगी. सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. आई होप यू गॉट योर आंसर फ्रॉम मी. आई विल ट्राई टू टेक अनदर कॉल ऑन दैट अगर कोई डिटेल में आ जाती है मेरे पास. थैंक यू सो मच. हैव ए गुड नाइट.